वेलकम बैक लिफ्टर्स, मेरा नाम देवा खुड़े है और मैं खुद एक इंटरनेशनल और नेशनल पावर लिफ्टिंग मेडलिस्ट हूँ। उसके साथ ही मैं पावर लिफ्टिंग की कोचिंग प्रोवाइड करता हूँ। और इस सफर में मैंने ये चीज़ नोटिस की है कि इंडिया में एथलीट्स को वेट कट करना नहीं आता। ऑफ्टन टाइम्स आई हैव सीन एथलीट्स वेयरिंग लेयर्स ऑफ हुडीज एंड जस्ट रनिंग डाउन होल वेन्यू टू जस्ट कट डाउन देयर वेट। और आप एक्सपेक्ट ही कैसे कर सकते हो कि इतना सब कुछ करने के बाद, इतना वाटर लॉस करने के बाद, इतनी गोलियां खाने के बाद आप अच्छा परफॉर्मेंस दे सकते हो। एंड व्हेन आई से गोलियां, देर आर फ्यू ड्रग्स विच हेल्प यू टू रिड्यूस द वाटर वेट विच यू आर होल्डिंग इन योर बॉडी। सो ये सारे तरीके बहुत ज़्यादा आउटडेटेड हो चुके हैं। सो बने रहिए इस वीडियो के एंड तक, मैं आपको एक बहुत ज़्यादा ईजी तरीका बताने वाला हूँ जिससे आपका वेट कट एकदम ईजिली कर सकते हो विदाउट अफेक्टिंग योर परफॉर्मेंस एट ऑल। सो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पावर लिफ्टिंग गट कट के ऊपर। सो बेसिकली गट कट करना मतलब क्या, सिंपल भाषा में बोलूंगा तो बेसिकली आपके पेट में से टट्टी का एक एक टुकड़ा निकाल लेना। Yes, कितनी बार बोला कि दरवाजा पकड़ के बैठ या गाना गा। सो बेसिकली हमें चाहिए एक पूरी तरीके से एम्प्टी स्टमक। अगर आपको ये एक्सप्लेन करना होगा तो आप करके देख सकते हो। आपको आपका सुबह एम्प्टी स्टमक बॉडी वेट लेना है और आपको रात में सोने को जाने से पहले आपका बॉडी वेट चेक करना है। एंड यू विल सी द डिफरेंस दैट देयर इज ऑलमोस्ट 2 to 3 केजीज डिफरेंस इन बोथ ऑफ द बॉडी वेट्स। सो बेसिकली हमें इसी चीज को टेलर करना है फॉर आवर बेनिफिट। सो बेसिकली गट कट बहुत ज्यादा ईजी होता है, इसे कोई भी ईजिली कर सकता है और इससे आपका परफॉर्मेंस खराब नहीं होता। आप गट कट से एक्सपेक्ट कर सकते हो 2 से 3% का बॉडी वेट लॉस। गट कट को शुरू करने का सबसे बेस्ट टाइम होने वाला है आपके वेइंग से 2 से 3 दिन पहले। सो बेसिकली गट कट का कंसेप्ट बहुत इजी है समझने के लिए। आपको बेसिकली आपके बॉडी से फूड को पूरी तरीके से फ्लश आउट करना है और ऐसे चीजें खानी है जो आपके पेट में ज्यादा स्पेस ना ले या फिर आपके बॉडी में ज्यादा वेट एड ना करें। सो बेसिकली दीज थिंग्स आर गोइंग टू बी फूड्स विच टेक लॉन्गर टाइम टू डाइजेस्ट, जैसे मीट या फिर बाकी की चीजें जो आपके स्टमक में बहुत ज्यादा टाइम तक रहती है जिससे आपका बॉडी वेट ज्यादा दिखता है। सो बेसिकली गट कट के टाइम पे आप पूरी तरीके से हाई कैलोरी डेंस फूड्स को कंज्यूम करने वाले हो। सो लेट से आप 3000 कैलोरीज खाते हो तो आपको एटलीस्ट 2500 to 2000 कैलोरीज इन कैलोरी डेंस फूड से आपको कंज्यूम करनी है। सो मैं अभी आपको बताऊंगा ऐसे कुछ फूड चॉइसेस जो आप आपके गट कट में डेफिनेटली ऐड कर सकते हो। सो द फर्स्ट फूड चॉइस इज गोइंग टू बी वे। ये आपके पेट में बहुत ज्यादा कम जगह लेगा, उसके साथ आप आपके डेली कैलोरी इंटेक को इजिली फुलफिल कर सकते हो। गट कट के टाइम पे अगर आपने वे को कच्चा खाया या फिर पानी के साथ पिया तो भी कोई इश्यू नहीं है। सो द सेकेंड थिंग इज गोइंग टू बी आलमंड्स। आलमंड्स बहुत ज्यादा न्यूट्रिशियस चॉइस होगा आपके लिए क्योंकि उसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स का बहुत ही अच्छा मिक्सचर होता है और आप इजीली दिन के 30 से 40 बादाम खा सकते हो, वो आपको बहुत ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करेगा। सो बेसिकली मैं आपको बस एक रफ आइडिया दे रहा हूँ इस चीज की, बट आपको बैठ के देखना पड़ेगा कि आप एक्चुअल में कितने कैलोरीज खा रहे हो। एंड यू नीड टू बी वेरी स्ट्रिक्ट विद योर कैलोरीज। ऐसे नहीं कि आपको मालूम ही नहीं कि आप कितने कैलोरीज खा रहे हो और आपने इसे तुक्का मार के बोल दिया कि मैं 2000 कैलोरीज खा रहा हूँ, तो ऐसे नहीं चलेगा। यू नीड टू बी वेरी श्योर अबाउट योर डेली कैलोरी कंजप्शन क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल टाइम होने वाला है और अगर आपको एक हार्ड वे नहीं चूज करना तो इस चीज के लिए आपके पास पुराना डेटा होना बहुत ज्यादा जरूरी होने वाला है। उसके बाद थर्ड चॉइस इज गोइंग टू बी एग्स। एग वाइट बहुत जल्दी बॉडी में डाइजेस्ट हो जाता है और आप दिन के इजीली 6 से 7, 8 या फिर जितने खा सकते हो उतने आप एग वाइट्स इजीली कंज्यूम कर सकते हो उस दिन में। ये भी आपके बॉडी में बहुत ज्यादा जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है। उसके साथ ही आपको शुगरी कार्ब्स लेने हैं, जैसे आइसक्रीम हो गया या फिर राइस हो गया या फिर ब्रेड हो गया। ये सारी चीजें आपके बॉडी में बहुत ज्यादा जल्दी डाइजेस्ट होती है, आपको सडन एनर्जी प्रोवाइड करती है जो आपको आपके परफॉर्मेंस के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल हो सकती है। आइसक्रीम तो यार बहुत ज्यादा पसंद होगी आप जैसे सभी लोगों को, तो आप इसको इजिली ऐड कर सकते हो। सो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप गट कट एकदम ऐसे अचानक से शुरू मत करना, 1 से 2 बार इसको ट्राई आउट करके देखो। ट्राई टू अंडरस्टैंड कि आपकी बॉडी कैसे चीजों को एक्सेप्ट करती है, कैसे वर्क करती है, तभी जाके आप इस प्लान को एकदम अच्छे तरीके से आपके आने वाले कॉम्पिटिशन में यूज कर सकते हो।
अ डिस्क्लेमर, मैं सजेस्ट करूंगा कि अगर आपका ये फर्स्ट पावरलिफ्टिंग कॉम्पिटिशन है तो प्लीज सबसे पहले अवॉइड डूइंग वेट कट. वो वाटर कट हो, गट कट हो, या फिर कुछ भी हो, आपको वेट कट करना ही नहीं है. आपको आपके पहले कॉम्पिटिशन में बस कॉम्पिटिशन खेलनी है जाके, कॉम्पिटिशन का पूरा एनवायरमेंट समझना है, उसके बाद ही पूरा प्लान बना के अगर नेसेसरी होगा तभी जाके आपको वेट कट करना है. और मेरी मानो तो मैं हमेशा से बोलते आ रहा हूँ कि अगर आपको मालूम है कि आपको आगे जाके आपका वेट कट करना है तो बेटर है कि आप 1 से 2 महीने पहले ही आपकी रेंज के 2 से 3 kg मार्जिन के अंदर आ जाओ, सो दैट आप कॉम्पिटिशन के टाइम पे इंस्टेड ऑफ फास्टिंग आप अच्छे तरीके से खाना खा के कॉम्पिटिशन खेले जा सकते हो. बिकॉज पावरलिफ्टिंग इज अ साइकोलॉजिकल स्पोर्ट. आप यहाँ से जितने स्ट्रांग रहोगे उतनी आपकी लिफ्ट इंक्रीज होने वाली है. एंड ट्रस्ट मी ऑन दिस, आपको लग रहा होगा कि वेट कट करना बहुत ईजी है, बस दो से तीन दिन का सवाल है, बट आपके बॉडी को इससे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आता है. और जब आप भूखे होते हो तब आपसे बुरा इंसान कोई भी नहीं होने वाला. एंड ट्रस्ट मी ऑन दिस, आई हैव ट्राइड दिस और कुछ भी नहीं होता इससे. और अगर आपका ये फर्स्ट वेट कट होगा, बी इट गट कट, आपको इसमें इशू होने ही वाला है. आपको वो जो फीलिंग होती है वो वीडियो में एक्सप्लेन करना बहुत मुश्किल है, बट जिन लोगों ने उसको करके रखा है ऑलरेडी उनको ही मालूम होगा. सो बेसिकली गट कट के टाइम पे आपको ऐसा बहुत अलग फील आएगा क्योंकि आपके बॉडी में बहुत कम फूड होगा बट आपको भूख नहीं लगेगी. आपको समझ में आएगा कि आपके पेट में बहुत कम फूड है, आपका पेट खाली खाली है, बट आपको भूख नहीं लगेगी या फिर आपको एनर्जी डाउन नहीं लगेगी. ये बहुत ही वियर्ड फीलिंग है, तो जब तक आप गट कट को एक्चुअल में करते नहीं तब तक आपको ये चीज़ समझ भी नहीं आएगी. सो बेसिकली गट कट आप तभी कर सकते हो जब आपको आपका बस बॉडी वेट 2 से 3% कम करना है. बट लेट्स से कि अगर आपको उससे भी ज़्यादा लार्जर वेट कट करना है तो उसके लिए आप क्या करोगे, तो उसके लिए भी मेरे पास एक बहुत ज़्यादा इजी सोल्यूशन है जो आपके ट्रेडिशनल वाटर कट से बहुत ज़्यादा इजी है और आपको आपके परफॉर्मेंस में ज़्यादा इससे इशू नहीं होगा. अगर आपको जानना है कि वो तरीका क्या है तो इस वीडियो के ऊपर मुझे 200 कमेंट चाहिए. जैसे ही 200 कमेंट इस वीडियो के ऊपर आ जाएंगे वैसे ही मैं उस वीडियो को अपलोड कर दूंगा और आप उसको यूज़ करना शुरू कर सकते हो. सो बेसिकली जस्ट सपोर्ट दिस चैनल, कमेंट करो, ज़्यादा इंटरेक्शन बिल्डअप करो और मैं वीडियो डाल दूंगा. एंड आई होप कि आपको ये वीडियो भी बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव लगी होगी. अगर आपका कोई पास्ट एक्सपीरियंस होगा अच्छा बुरा वेट कट के साथ तो प्लीज़ कमेंट डाउन मिलो, उसकी स्टोरी भी मैं सुन के लोगों को भी पढ़ के बहुत मज़ा आएगा. एंड दे विल बी मोर अवेयर ऑफ द सिचुएशन विच दे आर गोइंग टू बी फेसिंग सूनर और लेटर. सो आई होप एवरीवन इज सेफ, एवरीवन इज लिफ्टिंग हेवी. मैं आपको मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक सदा स्ट्रांग रहो.